आपकी कम हाइट होने के हिसाब से कोई लड़की नहीं पटती, आपकी कम हाइट होने के हिसाब से कोई बात नहीं करता, आपकी कम हाइट होने के हिसाब को जॉब नहीं मिल रही। अब ये लीजिए हमारा प्रोडक्ट। मैं बहुत ही कम टीवी देखता हूँ, बट मैं कभी कभी इस कुछ ऐसे चैनल देख लेता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई क्वालिटी के रहते हैं, जिनका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बेकार आता है, बट उनके ऊपर एड इसी टाइप के रहते हैं, आपकी हाइट बढ़ाइए, आपका वेट गेन कीजिए और आप ये चीज़ें करिए, बट आपको इतना डिप्रेस कर देते हैं, आपको इतना परेशान कर देते हैं। आप उनके एड कभी भी देखेंगे तो आप इतना परेशान हो, आपको ध्यान रखना, उनके एड को बिल्कुल इग्नोर कर देना। आपकी सक्सेस आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि आपकी हाइट के ऊपर, आपके वेट के ऊपर, ना कि आपके लुक के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिथ जो फैल रही हैं आज के टाइम पे। अगर आपके है ना माँ बाप छोटे हैं तो आप भी छोटी हाइट के होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आपको ध्यान रखना है अपनी जो है ना पाचन तंत्र, आप जिसे बोलते हैं हिंदी के अंदर, आपको उसे मजबूत करना होगा। आपको इसके लिए कई अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जो आपको अच्छे से जो प्रोडक्ट मिलते हैं आप उनको खाइए, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आप उसको मजबूत करिए, ना कि अपने ना जो आप सोचते हैं मैं हार्मोन्स बढ़ा लूँ, ये कर लूँ, आपको पहले वो चीज़ें बाद में करना होंगी, पहले आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करना है। उसका आपको जो दूसरी चीज़ करना है वो है आपके हार्मोन्स को बढ़ाना। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ किसी कुछ ऐसे लोगों ने बताया होगा हाइट ग्रोथ का हार्मोन्स अलग रहता है, इसका हार्मोन अलग रहता है, आपको ना ये बढ़ाना है तो ये करिए, नहीं भाई, हर हार्मोन्स आपका जो भी हार्मोन्स रहते हैं वो एक साथ बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कोई सा हार्मोन्स कम बढ़ रहा है, कोई सा नहीं, आपको सबको मीडियम बढ़ाना है। आपने अगर आपने हाइट ग्रोथ का बढ़ा लिया, आपकी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो किसी काम में नहीं आने वाला, जो आपने बढ़ा भी लिए तो आपकी पीठ दर्द होगा, आप इतना परेशान होंगे। ये अपने हाथों को दोनों को ऊपर करके रखिए, आपको ये दिन में सिर्फ दो बार करिए, 5-5 मिनट मैं आपसे कह रहा हूँ। इससे आपको क्या रहेगा, जो आपके हार्मोन्स तो आप है ना बूस्ट कर लेंगे, आप अच्छा खाना खाएंगे, आप डाइजेस्टिव को मजबूत कर लेंगे, आप हर चीज़ कर लेंगे, बट जो आपके एक जो मास जो आपका है ना अटक चुका है, आपका एकदम फंसा हुआ है, उसको एकदम बूस्ट चाहिए, उसे थोड़ा आप ऊपर करिए। उसके बाद आप है ना एक काम करिए, जो आप बेड जिस भी जगह सोते हैं आपको बिल्कुल सीधे सोना है। ये चीज़ मैं किसी से कॉपी करके नहीं बोल रहा है, मैंने खुद नोटिस करी है। जब मैं भी छोटा था, मेरी उम्र उस टाइम में 15 साल होगी, मैं आपसे जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ झूठ नहीं बोल रहा, मैं किसी भी वीडियो के अंदर मैं अपनी झूठी चीज़ बताना नहीं चाहता, मैं प्रमोट करना नहीं चाहता, मैं झूठ को, मैं बिल्कुल सच्ची बात बताना चाहता हूँ। तो उस टाइम में क्या होता था कि मैं कभी मामा के घर गया, कहीं भी गया, तो वो लोग मुझसे बोलते थे कितनी छोटी हाइट है, ये मैं जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, तो वो लोग मुझे मेरा मजाक उड़ाते थे, तेरी तो हाइट इतनी सी रह जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, बट मैंने उनको कुछ नहीं किया, मैंने उनसे नहीं किया, मुझे अपनी हाइट या मुझे किसी को बताना नहीं है मेरी हाइट छोटी है तो मैं परेशान रहूँगा, नहीं, मेरी हाइट जैसी है मुझे अच्छी, मैंने उसे डिप्रेशन में नहीं लेके गया। अगर मैं डिप्रेशन में चले जाता जो मेरी हाइट इतनी बड़ी हो चुकी है, मेरे फादर से बड़ी मेरी हाइट है, मेरी मॉम से बड़ी मेरी हाइट है, माँ बाप छोटे हैं तो मेरी हाइट भी छोटी रहेगी, उससे कुछ नहीं होता भाई। अगर आपके फादर बहुत ज़्यादा लंबे और आप छोटे निकल जाओगे, इसमें कोई भी ना हैरानी की बात नहीं रहेगी, ये सिर्फ आपके खान पान के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, आपकी बॉडी आपको किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से वेट बढ़ाती है, किस तरीके से हाइट बढ़ाती है। उसका क्या करना होगा, रोज़ सुबह के टाइम में आपको धूप लेना होगी, आपको धूप रोज़ लेना है, ऐसा नहीं कि आप धूप नहीं ले रहे हैं मैं काला हो जाऊंगा, धूप में आप थोड़ी प्रोटेक्शन के साथ जाओ ना, सनस्क्रीन लगाओ आप, है ना केप पहनो आप, थोड़ा ऐसा धूप से आपको बचना नहीं है, आपको धूप में जाना है। उसके बाद आपको एक चीज़ का करना है, चूना, आपको कैल्शियम बढ़ाना होगा अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, आपकी हाइट बढ़ाने के लिए आपको कैल्शियम लेना है, तो कैल्शियम आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, वो कायम मिलेगा आपको चूने के अंदर, काफ़ी ज़्यादा सच्चा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा उपाय आपको मिलेगा चूने के अंदर, आपको अच्छा कैल्शियम मिलेगा। चूना, चूना क्या आपको उसे लेना है, उसे पानी में डालना है, घोल के पी लेना है, रोज़ आप ये चीज़ करो, आपकी अगर आपको फ़र्क नहीं दिखे ना, आपकी है ना स्किन भी ग्लो होगी, आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा आपकी बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाएगी, आप बिल्कुल आसमान के बराबर हो जाओगे, भाई जो जिनकी ज़्यादा हाइट बड़ी हो जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है। आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि मुझे हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, नॉर्मल हाइट रखनी है हमें, बहुत ज़्यादा बढ़ानी भी नहीं है, बट हमें काफ़ी ज़्यादा कम भी नहीं करनी, हमें एक नॉर्मल हाइट चाहिए जो हम अचीव कर सकते हैं आराम से, बस हमें थोड़ी एक्सरसाइज करना होगी। एक्सरसाइज क्या, नॉर्मल जो एक्सरसाइज रहती है आप एक चार्ट में आपके ना डाल दूंगा अभी, आप वो चार्ट देखिए, आप उस टाइप की एक्सरसाइज करिए, और आप जब ये सारी एक्सरसाइज करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैंने भी सब चीज़ें करी थी, मैं जो नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक वीडियो के लिए बता रहा हूँ कि मेरी हाइट छोटी थी मैंने ये करा मेरी हाइट बढ़ गई, नहीं, जो मेरे साथ हुआ था मैंने वो किया और मैंने वो आपको बताया, जो जेन्युइन चीज़ है, जेन्युइन चीज़ है, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ना कि फेक चीज़। बट मेरी आज हाइट बढ़ गई तो लोग क्या कहते हैं, लंबू, तो भाई मतलब आपकी किसी जगह कोई वैल्यू नहीं होने वाली अगर आप हाइट बढ़ा लो, लंबू हाइट छोटी रह गई तो टिगनू, ये सब चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी, आपको ध्यान रखना है, परेशान नहीं होना इनसे। मोटिवेट करना चाहता हूँ, आपकी हाइट से कुछ नहीं होता, आपकी हाइट बढ़ जाएगी तो आपकी काफ़ी ज़्यादा परेशानी। अगर आप है ना देखेंगे कोई जिनकी हाइट लंबी होती है वो देखना ऐसे झुक के चलते हैं बिल्कुल यूँ यूँ, तो भाई किस काम की हाइट हो गई तुम्हारी, एक मीडियम हाइट होनी चाहिए, ना कि 6 फुट
5.5 फीट की आपकी हाइट है, एक नॉर्मल हाइट है, आपकी हाइट काफ़ी अच्छी है, आपको उससे ज़्यादा कुछ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है हाइट को। अगर आप इससे भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप गधे हैं, मैं आपसे बोलूँ गधे हैं। आपको अगर 5.5 इंच हाइट हो चुकी है, 5 पॉइंट से 2.3 पॉइंट इतनी भी है, नॉर्मल हाइट है आपकी, ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत और बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको ध्यान नहीं देना है। बट आपकी काफ़ी कम है, अभी 4 फीट के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ें मैंने आपको देखना चाहिए, जो लोगों की परेशानियाँ ठीक कर सकती हैं, वो चीज़ें क्यों नहीं देखते लोग? जो मैंने अच्छी अच्छी वीडियो बनाई थी, मैंने आपकी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ें, उनके लोगों को बेनिफिट मिल सकता था, बट नहीं देखी। जो बिल्कुल फालतू चीज़ें रहती हैं वो लोग देखते हैं, तो मैं इसी टाइप की फिर वीडियो बनाऊंगा ना आपके लिए, मैं अच्छी क्वालिटी के बनाऊंगा, आप देखोगे नहीं। अब मैं इस साल आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। और आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो आप है ना ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, साथ में आप बता सकते हैं आपको वीडियो के अंदर क्या चीज़ बेकार लगी। अच्छी चीज़ तो आपको लगेगी नहीं वीडियो के अंदर, मैं कितनी भी अच्छी वीडियो बना दूँ मगर लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो मैंने सोचा है आपसे अच्छी वीडियो बनाना बंद।